हाय एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी पर। मैं मनीष बिश्नोई। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं बायोलॉजी के, ठीक है। उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए लाभदायक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति है। कवर हो गया, आगे बात करते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। कैरोलस लिनियस को वर्गी का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। किसका पिता? वर्गी का पिता कहा जाता है। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशी के जीव आते हैं। एनिमिलिया जगत के अंतर्गत बहुकोशी के तथा यूकेरियोटिक जंतु आते हैं। लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति विकसित की थी। कौन सी पद्धति की थी? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति है वो विकसित की थी। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं। आगे है आपके पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए पराग कोष सबसे उपयुक्त भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पराग कोष, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। ब्रायोफाइटों को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। किसको? ब्रायोफाइटा को। आगे बात करते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है, बहुत इंपॉर्टेंट। आलू एक कंद है, आपको पता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार की घास। एम्बिल का ओपिसिनोलिसिस अफीम का वास्तविक नाम है। ये अफीम का साइंटिफिक नेम है एम्बिल का ओपिसिनोलिस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे नगन बीजी होते हैं, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया था। नगन बीजी पौधों के कौन से अंतर्गत रखते हैं? तो जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे नगन बीजी में आते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, और हमारे अनअकैडमी प्लस पे कोर्स चल रहे हैं साइंस और टेक का, अब चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।